Hey guys, welcome back to a new video. So, ये वीडियो बहुत सिंपल सी होने वाली है. बेसिकली हमने क्या करा, जो पीछे लैंप दिख रहा है आपको, हमने ये खरीदा यहाँ पर और इसमें जो अभी बल्ब जल रहा है इसके साथ यहाँ पे इनबिल्ट मिला 7 वॉट का ये बल्ब है और हमने सोचा है सेटअप थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा यहाँ पे बल्ब होना चाहिए. सबसे पहला ऑप्शन हमारा था यहाँ पे फिलिप्स, तो ये फिलिप्स का 9 वॉट का RGB बल्ब है यहाँ पर और जब ये आया हमने इसे लगाया, अच्छी लाइट थी बट मुझे पर्सनली यहाँ पे इसकी लाइट थोड़ी कम लगी. अब ये जो हमें पड़ा है यहाँ पे 799 का पड़ा था और यहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यही थी कि ये E27 यहाँ पे बल्ब हो, बेसिकली जो स्क्रू वाले होते हैं वो हो क्योंकि इसमें भी होल्डर वही है. अब यहाँ पे एक कन्वर्टर आते हैं वो भी ले सकते थे हम बट उससे थोड़ा यहाँ पे और ऊंचा हो जाता और बल्ब में भी बाहर आ जाता लैब के, हमने प्रेफर वो नहीं करा. तो एनीवे ये मंगवाया क्रैक से, उसका भी अभी ट्यूटोरियल दूंगा आपको कि कैसे बल्ब कनेक्ट करना है और लाइट हमें कम लगी तो मैंने सोचा यार कि और अल्टरनेट यहाँ पे देखे जाए. तो एक और अल्टरनेट में हमें यहाँ पे मिला हेलोनिक्स का ये बल्ब, यह 12 वॉट का यहाँ पर और इसका प्राइस यहाँ पे इससे कम था. तो इसका जो प्राइस है वो है 736. अभी हमने Amazon से लिए हैं दोनों, लिंक आपको दोनों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप कोई सा भी इसमें आइटम खरीदना चाहते हो. एनीवे ये आया, डिलीवर हुआ, हमने इसे चला के देखा और चलाने के बाद जो इसका रिजल्ट था थोड़ा सरप्राइजिंग था. मुझे पर्सनली लगता था कि यार ये 12 वॉट का है, ये 9 वॉट का है, यहाँ पे थोड़ा फर्क होना चाहिए बट सरप्राइजिंग रिजल्ट था. तो इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट आ रहे होंगे, मतलब सेम डार्क रूम था और सेम जगह सब कुछ था, बल्ब लगाया, डिफरेंट लाइटिंग हमने यहाँ पे देखी. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12 वॉट और 9 वॉट का इतना फर्क देखने को नहीं मिल रहा है, भले ये थोड़ा सस्ता भी था बट मैं एक क्यों ऐसा बल्ब लूं जिसमें मुझे 12 वॉट पे इतनी ब्राइटनेस नहीं दे पा रहा है जबकि फिलिप्स एक यानी थोड़ी रेपुटेटेड कंपनी है यहाँ पर और साथ में मुझे फिलिप्स बाकी एडवांटेजेस भी दे रहा है, उसकी बात मैं आपको इन दोनों के ट्यूटोरियल के बाद बताऊंगा क्या क्या इसमें यू नो प्रोज एंड कॉन्स थे अपार्ट फ्रॉम प्राइस एंड ब्राइटनेस. अब तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसके ट्यूटोरियल से शुरू करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे सेटअप करेंगे हेलोनिक्स को. तो अब हम यहाँ पे अपने इस बल्ब को कनेक्ट करेंगे, अब इसको कर देते हैं बंद. तो अब यहाँ पे हमने अपना बल्ब लगा दिया है, सबसे पहले आपको क्या करने से करना है ऑन, तो ऑन हो गया है. अब यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट इसमें देखने को मिल रही होगी. ओके, अब ये पल्सिंग भी होने लग गए, इसे इग्नोर मारो थोड़ी देर. आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में यहाँ पे हेलोनिक्स की स्मार्ट ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना. आपको मैं गूगल प्ले की और ऐप स्टोर की यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे खोलना और मेक श्योर कि आपके घर में वाईफाई यहाँ पे नेटवर्क हो क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट डिवाइसेस को चलाने के लिए आपके घर में वाईफाई होना चाहिए. अगर आपके यहाँ फाइबर वगैरह नहीं लगाए तो आप जैसे ये हुआवे का राउटर हो गया या यूएसबी डोंगल्स हो गए, आप इनको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक वाईफाई नेटवर्क बना सकते हो. इंटरनेट यहाँ पे जरूरत नहीं है बट सेम वाईफाई नेटवर्क यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है. अब आपकी जब ऐप खुलेगी तो आप सबसे पहले जाना ऐड डिवाइस पे, आप यहाँ पे क्लिक करना लाइट सोर्स वाईफाई वाला क्योंकि वाईफाई बल्ब हमारा, हमारे यहाँ पे वाईफाई नाम आ चुका है, पासवर्ड भी नीचे है, हम इसको कर दूंगा नेक्स्ट. यहाँ पे आपको अगर रीसेट द डिवाइस फर्स्ट, कंफर्म द लाइट्स आर ब्लिंकिंग रैपिडली, हमारी लाइट पहले से यहाँ पे ब्लिंक कर रही है. अगर आपके यहाँ पे लाइट ब्लिंक नहीं कर रही हो तो आप एक बार ऑफ करना और वापस ऑन करना. जब आपकी लाइट ब्लिंक कर रही होगी आप यहाँ पे क्लिक करना, आप नेक्स्ट पे क्लिक करना और अब यहाँ पे डिवाइस फाइंड करेगा. यहाँ पे 2 मिनट का यहाँ पे टाइमर लगा है. सो यहाँ पे जैसे कि आ चुका है एडेड हेलोनिक्स प्रिज्म वाईफाई बल्ब, डिवाइस एडेड सक्सेसफुली. अब आपको यहाँ पे इसे कर देना है डन. तो हमारा बल्ब यहाँ पे आ चुका है. अब मैंने यहाँ पे ऐप जैसे मैंने बताया मैं इसे यूज करके देख लिया, मैंने आपको कंपैरिजन में दिखा दिया था. तो अगर आप इसे पहली बार यहाँ पे ऐप को यूज कर रहे हो तो इसमें आपको अपनी आईडी भी बनानी पड़ेगी, आपको लॉग इन करना पड़ेगा, तो आपको कर लेना. उसके बाद सेम आपका प्रोसेस है, एड यू नो डिवाइस, आपको अपना वाईफाई वगैरह सेलेक्ट करना है और जैसे ब्लिंक कर रही होंगे आपका कनेक्ट हो जाएगा. काफी यहाँ पे सिंपल इसमें प्रोसेस था. अब बात करें हम लाइट की तो आप इसको यहाँ पे डिफरेंट चीजें से कंट्रोल कर सकते हो. इस वक्त आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ रही होगी इस साइड में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राइटनेस अभी 50% है, इसमें 100% करता हूँ तो यहाँ ब्राइटनेस ज्यादा होगी, इसे मैं कम कर देता हूँ तो ब्राइटनेस पीछे कम हो चुकी है. अभी व्हाइट लाइट है, मैं इसे वार्म लाइट कर दूंगा तो वार्म हो चुकी है, ब्राइटनेस फुल करके देखें तो अब यहाँ पे वार्म हो चुकी है. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें डिफरेंट यहाँ पे आप इसकी जो व्हाइट बैलेंस है छेड़ सकते हो. बात करें कलर की, क्योंकि है आरजीबी बल्ब तो आप कलर यू नो काफी इंपॉर्टेंट है, तो अभी यहाँ पे रेड है, अगर हम जाएं ग्रीन पे तो पीछे ग्रीन हो चुका है, अगर हम यहाँ पे जाए ब्लू पे पीछे ब्लू हो चुका है. तो ऐसे आप डिफरेंट यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हो, पूरा आपके पास यहाँ पे कंट्रोल है कि कौन सा आपको कलर चाहिए. आप सीन सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लेजर कर सकते हो तो लेजर के हिसाब से यहाँ पे पीछे लग जाएगा. आप कलरफुल करो तो उसके हिसाब से यहाँ पे पीछे अपना सेट हो जाएगा. आप गॉर्जियस कर दो उसके हिसाब से यहाँ पे पीछे सेट हो जाएगा. तो आप यहाँ पे डिफरेंट यू नो अपने मूड के हिसाब से आप डिफरेंट लाइट सेट कर सकते हो. और यहाँ पे आपका अगर इसे बंद करना है तो आप इसे यू नो इस पर क्लिक करो और ये बंद होगी और आप वापस इस पर क्लिक करो और ये खुल गई. तो यहाँ पे काफी इजी सेटअप है. अब यहाँ पे अगर हेलोनिक्स बल्ब की बात करें, एज सच इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इसमें बढ़िया काम कर रहा है. मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि जब ये 12 वॉट का बल्ब है तो इसकी ब्राइटनेस कंपैरेटिवली मुझे लगता है 9 वॉट की फिलिप्स से ज्यादा होनी चाहिए थी. अगर होती तो हम इसे डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर करते बट पर्सनली हम यहाँ पे फिलिप्स यूज करेंगे. अब आगे अब फिलिप्स की बात करें तो फिलिप्स को सेटअप करना भी आपको बता देता हूँ. अब बल्ब हम चेंज कर देंगे और अब लगेंगे यहाँ पे फिलिप्स का. तो अगर हम फिलिप्स की बात करें तो फिलिप्स यहाँ पे आती है विज करके ऐप, आपको इसकी अगेन लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऐप स्टोर की प्ले स्टोर की भी आप डाउनलोड कर सकते हो. अब यहाँ पे हमने फ्लिप का बल्ब लगा दिया है पीछे और इस वक्त ये बंद है. अब हम इसे करते हैं ऑन, तो ऑन हो चुका है. अब इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे विस की ऐप खोलनी है. आप यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्टूडियो टाइप या कुछ बनाना,
हमने यहाँ पे स्टूडियो बनाया, आप यहाँ पे ऐड करके कुछ भी बना सकते हो, बेडरूम हो गया आपका, डाइनिंग, ड्रेसिंग, कुछ भी हो गया। जब एक रूम बन जाएगा तब आप यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक करना, आप यहाँ पे लाइट पे क्लिक करना, आप अगेन यहाँ पे आपका जो वाईफाई का नाम और पासवर्ड आ जाएगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक करना। तब यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको कैसे करना है, स्मार्ट पेयरिंग करनी है, मैनुअल पेयरिंग। हम स्मार्ट पेयरिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको हमें सिंपली क्या करना है, पावर ऑफ और ऑन करना है। तो आप पावर ऑफ करेंगे हम और ऑन करेंगे तो यहाँ पे वाइट सी लाइट हो चुकी है और मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे टाइमर चल चुका है, यहाँ पे लाइट डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे एक मिनट का टाइमर चल रहा है। अब जब तक यहाँ पे टाइमर चल रहा है, एक थोड़ी सी बैक स्टोरी, मेरे वाईफाई पे एक्चुअली कनेक्ट नहीं हुआ था। इसके रीजंस मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिले कि क्यों नहीं हुआ था। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ा, मेरे को अपना जो मैंने एक्सटेंड करा अपना राउटर दूसरा वाला, मेरे को उस पे जाके कनेक्ट करना पड़ा। और जब मैं वापस आया तो क्योंकि वो सेम नेटवर्क में है तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। और अब हमने यहाँ पे अपना फाइबर बदलवा दिया है, जिन लोगों को नहीं पता उस पे भी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो यहाँ पे अब वो राउटर है जो पहले दूसरे रूम में था, तो इसलिए यहाँ पे मेरा डिवाइस आ चुका है। अब अगर आपका यहाँ पे पहली बारी में कनेक्ट नहीं होता तो आपका एक और ऑप्शन देता है, उसमें आपको क्या करना है, आपको 3 बार यहाँ रैपिडली अपनी लाइट को यू नो ऑन ऑफ करना है। तो वो ब्लिंक करने लग जाएगी, यहाँ पे पल्सिंग करने लग जाएंगी और तब आप अगेन एक बार स्कैन करना। अगर आपका पहले स्टेप में यहाँ पे लाइट नहीं आती तो आपके दूसरे स्टेप में डेफिनेटली लाइट आ जाएगी। और अगर आपके इन दोनों स्टेप में यहाँ पे लाइट नहीं आती तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड में। पहले यहाँ पे हम अपने लाइट पे क्लिक करेंगे, हम कर देंगे फिनिश, हमारे यहाँ पे बल्ब आ चुका है, लैंप है तो मैं लैंप का आइकन सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर करूंगा इसे डन। और यहाँ पे हमारी लाइट आ चुकी है। अब बेसिकली इसे टेस्ट करने के लिए मैं ब्राइटनेस कम करूंगा और ये ब्राइटनेस कम होगी, ब्राइटनेस फुल होगी, ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। और हम व्हाइट को हम कर देंगे यहाँ पे वार्म व्हाइट, तो यहाँ पे हमारा लैंप अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे सीन से पहले मैं एक बात बता दूं जो मैंने बताया ना, अगर आपका यू नो कनेक्ट ना हो, आपका डिवाइस ही फाइंड ना हो और आपके पास एक सेकेंडरी राउटर भी नहीं है जैसे मेरे पास था, तो आप यहाँ पे 2 चीजें ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अपने राउटर की सेटिंग्स वगैरह छेड़नी आती है, आप वहाँ पे उसकी अपनी जो सेटिंग्स होती है WPA, WPA2, WPA3 उसको चेंज करके देख सकते हो, मे बी आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। अब अगर आपके यहाँ पे सेकेंडरी राउटर नहीं है और आप अपनी वाईफाई की सेटिंग भी छेड़ना नहीं चाहते, आपको नहीं पता कैसे करना है, तो एक बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पर आप एक काम करो, अपने मोबाइल में एक हॉटस्पॉट खोलो, उसमें अपना नाम जो वाईफाई का नाम है एग्जैक्ट वही लिखो और हॉटस्पॉट का पासवर्ड भी एग्जैक्ट वही रखो, अपना जो राउटर उसे बंद कर दो और अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से आप अपना फोन कनेक्ट करो और फिर लाइट को सर्च करके पूरा वही चीज आप सेटअप करो। तो एक बार लाइट उस नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाए उस नाम पे, तो वो दूसरे उस पर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो अब पर्सनली मैंने ये मोबाइल हॉटस्पॉट से तो ट्राई नहीं करा, बट मैंने आपको बताया सेकेंडरी राउटर उसका नाम और पासवर्ड वगैरह सेम है तो वहाँ पे काम कर गया था। और मैंने जहाँ पे मुझे दिक्कत देखने को मिली, जहाँ पे यू नो बात करी है कम्युनिटी में लोगों ने, तो यही सॉल्यूशन दिया है। तो आप ये सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपका कनेक्ट नहीं हो रहा था और ये सॉल्यूशन ट्राई करने पर कनेक्ट हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि बाकी लोगों की यहाँ पे मदद हो जाए। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं अपने ऐप के ट्यूटोरियल पे। आप जैसे कि देख सकते हो इसमें आपको वार्म व्हाइट तो देखने को मिल गया होगा। सो आप जैसे नीचे जाओ यहाँ पर तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं डायनेमिक्स के अंडर। आप फायर प्लेस करो तो आप देख सकते हो डिफरेंट इसके कलर चेंज हो रहे हैं। आप यहाँ पे पार्टी करो तब इसके कलर चेंज हो रहे हैं। आप यहाँ पे क्रिसमस कर सकते हो तब यहाँ पे इसके कलर चेंज हो रहे हैं। या आप यहाँ पे कस्टम कलर पे जा सकते हो और आप कोई सा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ऊपर नाम भी आ रहा है जैसे स्क्रीमिंग ग्रीन, लॉ ग्रीन हो गया आपका स्कारलेट हो गया। और अगर आपको एक कलर ऐड करना है, मतलब बार बार सेलेक्ट नहीं करना, आपको पसंद आ चुका है, आप यहाँ पे ऐड करो और ये ऊपर एक सेक्शन बन जाएगा। जैसे हमने एक्वा और नेवी ब्लू यहाँ पे करें तो ऐसे यहाँ पे सेक्शन बन गया है। अब यहाँ पे आपका ये कंट्रोल होता है वॉइस असिस्टेंट से, आपका यहाँ पे एलेक्सा से यहाँ पे कंट्रोल होता है। बट सीरी में अगर आपको यहाँ जाओ सेटिंग्स में और आप यहाँ पे जाओ इंटीग्रेशन पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपका सीरी देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप आईफोन यूज़ करते हो और आपको सीरी में भी इसे इंटीग्रेट करना है तो इसका एक यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले तो जो भी लाइट चाहिए आपको वो लाइट सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्वा सेलेक्ट करते हैं, तो एक्वा लाइट यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं डन करूँगा, अब मैं नीचे सीन्स में जाऊँगा यहाँ पर। तो सीन्स में आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है ऐड पे, आप स्टूडियो सेलेक्ट करना है यहाँ पर। अगर आपके मल्टीपल यू नो रूम है, बेडरूम है, स्टूडियो है, किचन है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नेम पे मैं क्या करूँगा, नेम पे मैं कर दूंगा इसका जो नाम है, मैं कर दूंगा एक्वा, ठीक है। और यहाँ पे एक्वा हो चुका है और मैं कर दूंगा क्रिएट दिस सीन। तो यहाँ पे सीन क्रिएट हो चुका है। अब यहीं पे आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा कि ऐड टू सीरी। अब ऐड टू सीरी में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा हे सीरी अप्लाई एक्वा इन स्टूडियो। अब यहाँ पे इस फ्रेज को चेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम करते हैं इसे डन और यहाँ पे हम जाएंगे वापस होम पे। और इसको टेस्ट करने के लिए मैं पहले वार्म व्हाइट पे जाऊंगा। यहाँ पे लाइट चेंज हो चुकी है, अब टेस्ट करते हैं। हे सीरी अप्लाई एक्वा इन स्टूडियो ऑन इट। ओके सेटिंग यूजिंग विज। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा सीरी ने यहाँ पे अपना जो आपने सीन क्रिएट किया था वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हो बार बार। फॉर एग्जांपल अभी एक्वा था,
अभी मैं यहाँ पे दूसरा ये स्कारलेट वाला कर दूंगा, डन कर दिया, लाइट चेंज हो चुकी है पीछे। वापस सीन पे जाऊंगा, ऐड सीन पे क्लिक करूंगा, स्टूडियो सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं इसे डाल दूंगा वापस स्कारलेट और क्रिएट दिस सीन। और यहाँ पे एक और सीन आ चुका है, वहाँ पे ऐड टू सीरी है, सेम चीज़ होगी, आपको बोलना है अप्लाई स्कारलेट इन स्टूडियो, वो आपका हैप्पी कलर लगा देगा। तो ये काम आप सेम वाईफाई नेटवर्क कर सकते हो, अगर आपका काफ़ी मैश नेटवर्क वहाँ पर बनाए तो आप अपने बेडरूम से अपने स्टूडियो की लाइट चेंज कर सकते हो, या बेडरूम में जाने से पहले आप अलग वाइब सेट कर सकते हो बेडरूम की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोमांस वगैरह भी आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफरेंट यूज है, तो आप दोनों यहाँ पे आपका चाहे हेलोनिक्स हो गया चाहे फिलिप्स हो गया, आप दोनों इसे अपने असिस्टेंट से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे यही थे दोनों के यहाँ पे सेटअप। अब आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि कैसे कैसे दोनों कंपेयर होते हैं, इनके सेटअप वाइज कैसा इनका ऐप का इंटरफेस है, यहाँ पर कैसी इनकी लाइट की ब्राइटनेस थी जो हमने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखाया था। पर्सनली इनकी जो लाइट्स है, जब आप यहाँ पे पूरी वार्म वाइट यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी ब्राइट होती है, और जब आप यहाँ पे कोई भी कलर इसमें सेट कर रहे हो तो काफ़ी डिम हो जाता है। यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रेड है तो इतना खास नहीं है, और जो इनका मैक्सिमम है वो आपका जो वार्म वाइट होता है वो है। अभी आप खुद डिफरेंस देखना, तो आपने देखा होगा यहाँ पे कितना डिफरेंस आया है दोनों में। तो पर्सनली इसलिए मैंने यहाँ पे 12 वॉट का सोचा था, बट जब मुझे 12 वॉट पे मतलब 3 वॉट एक्स्ट्रा जो फिलिप्स से मुझे मिल रही है हेलोनिक्स में, अगर मुझे इतनी ब्राइटनेस नहीं मिल रही है तो इतना एफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 वॉट एक्स्ट्रा बिजली ले रहा है, बट उतनी यहाँ पे जो वैल्यू है मतलब उतनी जो ब्राइटनेस उसे प्रोवाइड करनी चाहिए उतनी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो होपफुली आपको भी यहाँ पे समझ आएगा होगा कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या था, क्यों फिलिप्स चुनने का, क्योंकि मुझे इसमें यहाँ पे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, मतलब 9 वॉट में सेम लाइट अमाउंट ऑफ लाइट, तो ऑब्वियस यहाँ पे ऑब्वियस चॉइस थी। अगेन बट आपको अगर वो ज्यादा पसंद नहीं हो तो आपको यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोनों की, प्लस लैंप की भी। कोई भी आइटम पसंद है आप जाके चेकआउट कर सकते हो, खरीद भी सकते हो। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको और ऐसे यहाँ पे रिव्यू देखने हैं तो ये गोडक्स की लाइट हमारी आ रही होगी स्क्रीन पे, इसका हमने इंडिविजुअल रिव्यू यहाँ पे करा है, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा होगा, आप उसे जाके यहाँ पे चेकआउट करो। अगर आप यहाँ पे सस्ते में एक स्टूडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे तो काफी अच्छा है यहाँ पे, रेकमेंड करूंगा मैं, तो जाके जरूर चेकआउट करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।